हेलो दोस्तों, क्लास फिट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और आप लोग को जैसा कि पता है कि सीजी व्यापम ने हाल ही में काफ़ी दिन पहले पीएटी के लिए पीएटी पीपीटी और बीएससी नर्सिंग वगैरह के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हुए, तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी चालू हो चुके हैं। और दोस्तों, उसकी लास्ट डेट आपकी 15 मई है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने उसके लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर कोरोना लॉकडाउन की वजह से अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि हर सिटी या प्लेस में हम देखें तो वहाँ पे दुकानें वगैरह शॉप्स वगैरह जो है एमपी ऑनलाइन की बोल सकते हैं या फिर जो भी ऑनलाइन शॉप्स होती हैं वो आपकी ओपन नहीं हैं, तो आप शायद अप्लाई नहीं कर पाए होंगे। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जो बताने वाला हूँ उसमें मैं आपको पीएटी यानी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना है कि अपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको टाइप करना है सीजी व्यापम, ठीक है। सीजी व्यापम जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने जो विंडो खुलेगी यहाँ पर आपको पहले लिंक पर क्लिक कर देना है, ठीक है, जो कि सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। इसको ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज खुलेगा दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो पेज खुलेगा यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे, जैसे पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो गया, एमएससी हो गया, बीएड वगैरह। तो आपको जो भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना हो, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ पीएटी के लिए, ठीक है। तो पीएटी यहाँ पर दिया हुआ किस नंबर पर, पीएटी यहाँ पर दिया हुआ आपका पीएटी पीपीएफटी का, ठीक है। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ पर सर्च करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। तो यहाँ पर 8वें नंबर पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, तो आपको सिंपली इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी फॉर्म वाले ऑफिशियल पेज पर डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है, जहाँ से आप अपना फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उस तो वो भी घर बैठे अपने मोबाइल से ही, आपको किसी भी दुकान या किसी भी शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, फॉर्म ओपन होने के बाद आपके सामने इस प्रकार से कुछ फॉर्म खुलेगा, यहाँ पर आपका पहले लिखा रहेगा किस एग्ज़ाम के लिए ये फॉर्म है, तो पीएटी यानी पीबीटी पीबीएफटी वगैरह इसमें लिखा हुआ, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपसे कुछ पूछेगा, वो सबसे पहले पूछेगा कि आर यू अ सीजी डोमिसाइल कैंडिडेट्स, यानी येस या नो। अगर आप सीजी के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यस करने के बाद दोस्तों आपके सामने नीचे पूछेगा एग्ज़ाम अप्लाइड फॉर, यानी कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, या फिर मैथ्स ग्रुप से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए, और तीसरा आपका एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए। दोस्तों, तीन ग्रुप के लिए एग्ज़ाम होता है, पहला आपका बायोलॉजी, सेकंड मैथमेटिक्स, तीसरा आपका एग्रीकल्चर। तो आप जिस भी ग्रुप से अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करना कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैथ्स ग्रुप का, ठीक है। जैसे ही आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने नीचे ऑप्शन खुल जाएगा अपलोड फ़ोटो का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपलोड फ़ोटो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आप देख भी सकते हैं इसकी साइज़ जो आपकी 40 से 60 केबी के बीच में होनी चाहिए, और नीचे आपका अपलोड सिग्नेचर, तो इसमें आपकी साइज़ 20 से 40 केबी की होनी चाहिए, जो कि आप अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको भरना पड़ेगा कैंडिडेट्स का नेम, यानी आपको अपना नेम जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, सेकंड में आपको फादर्स नेम, थर्ड में आपको मदर्स नेम, ठीक है। और यहाँ पर आपको भरनी है आपकी जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद फिर आपको कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लास करनी है, क्लास में आपको फ्रीडम फाइटर अदरवाइज सैनिक वर्ग, या फिर आप अदर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपकी फ़ीस बता देगा कि आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली, ठीक है। जैसे कि यहाँ बता रहा है 200 रुपये। इसके बाद सेलेक्ट इनकम टाइप, यानी कि अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर तो आपको एपीएल करना सेलेक्ट, अदरवाइज आप बीपीएल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पूछेगा आपसे आर यू जेके माइग्रेंट, के आप जम्मू कश्मीर के प्रवासी हैं, तो आपको यस या नो जो भी करना वो आप कर सकते हैं, अगर आप हैं तो हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पूछेगा डू यू बिलोंग्स टू कृषक फैमिली, यानी कि आप किसान की फैमिली से हैं, तो यहाँ पर यस या नो आप कर सकते हैं,
फिर यहाँ पे आधार नंबर दोस्तों जो ये आपको ऑप्शनल है, आप चाहें तो भर सकते हैं अदरवाइज छोड़ सकते हैं खाली। इसके बाद नीचे आपको मिलेगा होम, हाउस नंबर, हाउस नंबर यानी एड्रेस आपको फिलअप करना है, इसमें स्ट्रीट नेम, ज़िला, ठीक है। यहाँ पर स्टेट पूछेगा आपसे, स्टेट आप छत्तीसगढ़ या अदर जो भी है वो आप करिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, बालोद, बस्तर जो भी है। और उसके यहाँ पर आपको भरना आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि कंपलसरी है। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी, तो आप अपने एग्ज़ाम सिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली आई एग्री पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने का दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो बॉक्स देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको नैरो जो भी लिखा रहे आपके वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उसको फिल करने के बाद आपके सामने सबमिट का जो नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद उसको आपके सामने क्या हुआ कि आपके सामने एक विंडो ओपन हुई, जहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर आपसे यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप संशोधन करने बारे में नहीं कर सकते, इसके लिए आप एग्री हैं, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। उसको ओके पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद उसको आपको करना है, आपको फिर से न कि ऑफिशियल पेज पर आ जाना, ठीक है। जहाँ से आप ऑफिशियल पेज पर अगर आप आ जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के आपको पेमेंट के लिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन आईडी आपको उसके फॉर्म में देखने को मिल जाएगी जो कि आपने प्रिंट निकाला हुआ है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।